हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है। जो इस वीडियो को अनपढ़ के ऐप में देख रहे हैं उनका ऐप में स्वागत है, और जो इस वीडियो को अनपढ़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। तो आज जो है अनपढ़ के ऑफिशियली ऐप पर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं फाउंडेशन बैच, जो हमारा जो है जिसका मेन टारगेट है SSC JEE 2023। तो ये फाउंडेशन बैच जो है इसके रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे, और 10 तारीख से जो है 10 जुलाई से आपकी क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ इस फाउंडेशन बैच के बारे में, तो एक एक चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। क्यों ज्वाइन करें, कैसे करें, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कौन पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट को डील करेगा, और पर्टिकुलर अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपके लिए एक हॉनेस्ट कंपेरिजन करूं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास होगा, आप सबके दिमाग में होगा, क्योंकि आप इतनी देर तक अगर वीडियो में टिके हैं तो इसलिए टिके हैं कि ये जो पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच जो हमने SSC JEE 2023 के लिए बनाया है, इसे कौन ज्वाइन करे। तो सबसे पहली चीज, जो ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, इसकी वैलिडिटी रहेगी 2 साल। तो मतलब आप जो है पूरे 2 साल तक अनपढ़ के साथ कनेक्ट होकर रह सकते हैं, और आने वाले अगले 2 साल तक आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, 2 साल लग जाएगा क्या एग्ज़ाम निकालने में। नहीं, मगर हमने इसको रखा है कि आप हमारे साथ जो है 2 साल पूरी तरह से कनेक्ट रहेंगे। सबसे पहला सवाल, कौन ज्वाइन करे। तो मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या डिप्लोमा से पास आउट हो गए हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने जो है डिप्लोमा में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है मगर वो इंजीनियरिंग का फील लेना चाहते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स जो है उनके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो है आपको चीज़ों को बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको इंजीनियरिंग का रियल फील आएगा। अनपढ़ अपने आप में जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए, अपने डिलीवरिंग के लिए, अपना स्टूडेंट के फीडबैक के लिए, ताकि आप लोगों से हमें ऐसा फीडबैक मिले कि आपके समझ में आ रहा है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हुई कि इसे कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। अब क्यों करें, ये अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मार्केट में इतने जगह हैं, यूट्यूब है, आपको बहुत सारी जगह जो है अगर आप सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसे में इस अनपढ़ के ऐप में ही पर्टिकुलर आप जो है फाउंडेशन बैच क्यों ज्वाइन करें, यह सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा। तो यह है, यहां पर हमने आपको फोकस्ड होके करवाना है, एग्जाम ओरिएंटेड करवाना है, आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना है, आपको इंजीनियरिंग का फील दिलाना है, जिसके लिए जो है हम स्टूडेंट्स के बीच फेमस हैं एक फील। देखिए, पढ़ना पढ़ाते सब हैं, सारे टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं। अगर आप देखेंगे कि हो सकता है कि हमसे भी बेहतर बहुत सारे टीचर होंगे जो मार्केट में पढ़ाते होंगे, मगर हम लोगों का जो मेन मोटिव है वो है कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील दिलवाना। जब तक फील नहीं आता है तब तक जो है इंजीनियरिंग अपने आप में व्यर्थ है। तो हमारा टारगेट ये है कि आपको इंजीनियरिंग का फील आएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे पता है, यार ये चीज़ तो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो इसलिए पर्टिकुलर अगर इंजीनियरिंग का रियल में फील लेना है, साक्षात्कार करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप जो है पर्टिकुलर हमारे इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती है बात, इसमें क्या क्या मिलेगा। तो इसमें जो है आपकी पर डे 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस मींस टीचर यहाँ पर लाइव पढ़ा रहे होंगे, आप वहां पर लाइव पढ़ रहे होंगे, आप अपने सवाल जो है पूछ कर कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ऐसा यूनिक फीचर है जो हमारी इस ऑनलाइन क्लास को पूरा का पूरा जो है ऑफलाइन क्लास का फील देता है। आपको कोई डाउट है, आप रेज हैंड कीजिए, आप अपना सवाल जो है एक बार नहीं 2 बार पूछिए। जब तक आपके समझ में नहीं आता है वो हमारी जिम्मेदारी है, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो ये अपने आप में हमारा एक यूनिक फीचर है, जिसके लिए जो हमने प्रीवियस बैच में आप जो है अगर कोई स्टूडेंट आपकी पहचान का हो तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। पर्टिकुलर जो है कैसे हमने पर्टिकुलर हमारे ऐप में जो हमारा जो ये फीचर है, जहाँ पर हम
हम लोग जो है ऑफलाइन क्लास का पूरा माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा। हम आपको डांटेंगे भी, हम आपको सवाल में क्लास भी पूछेंगे, हम आपसे जो है कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे, हम आपसे कहेंगे फटाफट से इसका जवाब दो, हम आपका इंटरव्यू भी लेंगे, हम आपके जो है बॉडी लैंग्वेज को भी समझेंगे। तो पर्टिकुलर जो है पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास का जो है यहाँ पर फील आने वाला है। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप लोग जो है PYQ नहीं लगाओगे तब तक जो है आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पर्टिकुलर जो है यहाँ पर हम आपको हर क्लास के बाद हमारा जो है एक डाउट सेशन होगा, जो हमारा जो है हर वीक होगा, जहाँ पर आप लोग जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको सेट, जो आपको जो है PDF की फॉर्म में आपको जो है पर्टिकुलर इस उसमें कोर्स में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और टेस्ट सीरीज की फॉर्म में भी आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा। और अभी तक के अलग अलग PSUs में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के JEE के जो एग्ज़ाम हुए हैं, ऐसे लगभग 50 सेट जो है हम आपको अलग अलग एग्ज़ाम के, जहां पर पूरा लिखा हुआ होगा, ये SSC JEE 2007 का पेपर है, SSC JEE 2008 का पेपर है, ये UKPSC JEE जो है 2000 अभी जो एग्जाम हुआ 21 का पेपर है, ऐसा जो है आपको पूरे जो है अलग अलग जो है 50 सेट्स का जो है हम अभी आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं। हालांकि कोशिश रहेगी कि इसे 100 सेट्स तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करें। और PYQ में लगभग जो है हम आपको 10,000 क्वेश्चंस का सेट देंगे, जहां पर आपके लिए अपने आप में सफिशियंट है। अब आपको अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस यहां पर मिलने वाले हैं, तो आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के लिए किसी बुक पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम लोग आपको एक SSC JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपका जो है 2007 से और अभी आज जो है 2022 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसकी हम आपको ईबुक भी जो है यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। तो पर्टिकुलर जो है आपको यहां पर ये मिलने वाला है। इसके अलावा आपको मिलने वाली है मेंटरशिप मिलने वाली है हमारी सचिन सर की, या मयंक सर की, या सूरज सर की। आपको पर्टिकुलर लगता है कि ये टीचर आपके डाउट अच्छे से क्लियर करते हैं, तो आप जो है सर से ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब जो है आपको यहां पर मिलने वाली है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कौन क्या क्या पढ़ाएगा। पर्टिकुलर अगर आप जो है फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स में पर्टिकुलर कौन सब्जेक्ट जो है कौन पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है हमने स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो है माना है कि हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। हालांकि ये है कि आपके फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, मगर चूंकि जो फैकल्टी जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिनको जो है उस सब्जेक्ट की बहुत डीप लर्निंग है, तो हमारी कोशिश है कि पर्टिकुलर वो ही आपको उस टॉपिक से डील करें तो ज़्यादा बेटर है। तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें सचिन सर, तो सचिन सर हमारे साथ जो है बेसिक्स के पोर्शंस के लिए जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जुड़ेंगे, कैपेसिटर के लिए जुड़ेंगे, मशीन के लिए जुड़ेंगे, और पावर सिस्टम के एडवांस के लिए, एडवांस पावर सिस्टम जो है सचिन सर आपको पढ़ाएंगे। अगर बात करें भारत सर की मेरी, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ KVL, KCL, AC, DC, नेटवर्क थ्योरम्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और PLC स्काडा, ये चीज़ जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर हम बात करें मयंक सर की, तो मयंक सर हमें पढ़ाएंगे पावर सिस्टम का बेसिक्स पोर्शन, और हमारा जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पर्टिकुलर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी पोर्शन है वो आपके साथ मयंक सर डील करने वाले हैं। अगर हम बात करें सूर्यकांत सर की, तो सूर्यकांत सर आपके साथ यूटिलाइजेशन, IE रूल्स और माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अलावा जो है मटेरियल, जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, वो पर्टिकुलर जो है सूर्यकांत सर आपके साथ डील करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है उसमें और अच्छा नॉलेज डिलीवर किया जा सके। तो ऐसा होगा कि भारत सर पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन इसके ले लेंगे, सचिन सर इसके ले लेंगे, मयंक सर बेसिक्स के ले लेंगे, सूर्यकांत सर जो है पावर सिस्टम के ले लेंगे, ताकि आपको जो है और बेटर तरीके से और नॉलेज डिलीवर हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं नोट्स में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जो है टीचर से मिस हो जाती है। तो पर्टिकुलर जब क्वेश्चंस कराएंगे और डिफरेंट फैकल्टी जब उस क्वेश्चंस को कराएगा, तो ऐसी संभावनाएं कहीं पे भी नहीं रहेंगी कि आपका जो है पर्टिकुलर कुछ चीज छूट जाए। तो पर्टिकुलर जो है हमारा ऐसा जो है रहने वाला है यहां पर आप लोगों के सामने, ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको यहां पर बताया, ये जो है इस तरह से रहने वाला है। अब अगर हम बात करें यहां पर जो है अब कौन क्या पढ़ाएगा, चीजें हो गई हैं। एक सवाल
जो लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है, कोर्स कब पूरा होगा, क्योंकि बहुत जगह जो है आपको कह दिया जाएगा कि आपका कोर्स जो है 4 महीने में पूरा होने वाला है, 5 महीने में पूरा होने वाला है। तो हम लोग इस मामले में बड़े बदनाम हैं कि हम लोग जो है हमारे यहाँ कोर्स पूरा होने में समय बहुत लगता है, क्योंकि समय बहुत इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग जो है बहुत टाइम लगाते हैं। हम टाइम इसलिए नहीं लगाते हैं कि हमको केवल आप लोगों को कुछ एक पर्टिकुलर 4 पन्ने हैं वो रटा देना है, नहीं। हमारे यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बेसिक्स के ही लगभग जो है 50 से 55 लेक्चर्स आपके हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर हमारा कोर्स पूरा होने की जो हमने इसमें टाइम लिमिट लिखी है कि पर्टिकुलर हम लोगों ने अपने आप में सेट किया है, तो हमने जो है पर्टिकुलर वो 9 मंथ का टारगेट हम लोग लेके चले हैं कि आपका जो है ये 10 जुलाई से ये कोर्स होता है, तो आपका जो है जब भी आपका SSCJEE एग्जाम मार्च तक अगर होता है तो इस 9 मंथ्स में आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा मानना है कि आपको आपसे मैक्सिमम एफिशिएंसी आए, मींस अगर आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स का पढ़ा है, तो मेरा मानना है कि आप 90 में से एटलीस्ट 82, 83 या 85 तक स्कोर करें। मैं आपको 100 मार्क्स का पढ़ा दूं और मैं आपको कह दूं कि आप जो है सब पढ़ा दिया, अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई काम नहीं है। तो पर्टिकुलर हमारा कोर्स कंप्लीशन में 9 मंथ्स का टारगेट हमने लिया है, मगर इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि यहां पर हम लोग जो चीजें डील करेंगे, चीजें जो डिस्कस करेंगे वो एकदम बिल्कुल बेसिक्स से रहेंगी। मतलब इस सब के लिए अगर आप ज्वाइन करने का विचार कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए मैं आपको ऐसे ट्रीट करूंगा कि आपको आप केवल अभी डिप्लोमा में अपने प्रयोग प्रवेश लिया है और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ भी नहीं पता है, आपको इस तरह से किया जाएगा। हालांकि यह भी आप सोचेंगे कि यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, यहां पर बस आपके साथ जो है चीजों को खोल खोल के रखा जाएगा कि ये मशीन है, ऐसी है, खुल के ऐसी होती है, ऐसी दिखती है, और आप लोग जो है इस लर्निंग को इंजॉय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आपने यहां तक आए हैं, आप ऐप में इस वीडियो को देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप यहां तक आए हैं तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि चीजों की लर्निंग किस तरह से है, या आप पर्टिकुलर ऐप के अंदर देख सकते हैं, तो सारी की सारी चीजें जो रहेंगी। और पर्टिकुलर अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, तो हम एनिमेशन का भी यहां पर यूज करने की कोशिश करेंगे, नोट्स को सॉफ्ट कॉपी में भी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरा खुद मानना है, सचिन सर का भी मानना है कि हम लोग जो है नोट्स अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और पर्टिकुलर में तो फाउंडेशन बैच में तो मैं कहने वाला हूं कि आपको जो है हैंड रिटन नोट्स ही बनाने हैं, जो आपका वीकेंड में जो असाइनमेंट होगा उस असाइनमेंट में हम लोग आपके जो पर्टिकुलर जो नोट्स हैं उनको जो है आप हमें जो है स्कैन करके भेजेंगे, ताकि हमें पता तो चले आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पूरी की पूरी नजर आप पे यहां पर होने वाली है। टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम आपसे पूछने वाले हैं आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, आप कहां पर लैग कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करेंगे, सर मुझसे बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अराउंड अराउंड अगर मैं मानता हूं कि 200 बच्चे भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो 50 सर को सचिन सर डील करेंगे, 50 को मैं, 50 को सूर्यकांत सर, 50 को मयंक सर, तो ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी नजर आप पर होने वाली है, इस चीज का आप जो है विशेष ध्यान रखें। अब आती है बात कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ाएंगे, जितने भी फैकल्टी हैं चाहे कोई और भी हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स भी हैं, सब फैकल्टी एक जैसा पढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कौन टीचर आपको मोटिवेट करता है, कौन टीचर आपको बताता है, कौन टीचर आपके अंदर की जो झील है, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आता है। तो पर्टिकुलर हम लोग जो है कोशिश ये रहेगी कि आपके अंदर का पोटेंशियल निकल के बाहर आए और आप लोग जो है कोई एग्जाम क्रैक करें, क्योंकि अनपढ़ के पास जो है ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सेट किए हैं, चाहे वो यूपीसीएल में एई में हो, चाहे यूपीसीएल हो पिटकुल में, एई जेई में हो, चाहे किसी भी अलग अलग पीएसयूज में हो, अनपढ़ ने ऐसे कहीं ना कहीं जो है लैंडमार्क सब सेट करे हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उन स्टूडेंट से भी आप लोग फीडबैक ले सकते हैं, और ऑनेस्टली अगर आपको एक कोर्स में परचेज करना है तो आप जो है इसे ऐप से परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पर्टिकुलर जो है हमारा उस ऐप का लिंक और इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, और जो है हमारी प्रॉपर क्लासेज जो है 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। धन्यवाद।